होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है और इस दिन सारे लोग सारे गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और होली के लिए बाजार रंगों से सज गए हैं। लोग जमकर रंगों की खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में ऐसे खतरनाक रंग भी मिल रहे हैं जो गंभीर बीमारियों को दावत दे रहे हैं, और मार्केट में हर्बल कलर के नाम पर बिक रहा रंग भी काफी खतरनाक, इसमें भी मिलावट कर बेचा जा रहा है। क्योंकि ये जो दुनिया है ये लालच की दुनिया है, यहाँ पे पैसों के अलावा कुछ नहीं देखा जा सकता, लेकिन आप अपना सेहत जरूर ध्यान दे सकते। आज मैं आपको कलर खरीदारी करने में आपकी मदद करने वाली। रंग खरीदते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा जो बात मैं आपको इस वीडियो के आगे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये हैं कुछ खतरनाक कलर जो आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर वन, होली पर लोगों को सिल्वर कलर लगाते हुए आपने बहुत देखा होगा, लेकिन यह कलर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सिल्वर कलर सबसे ज़्यादा पक्का होता है और इसे चमकदार बनाने के लिए एल्यूमिनियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है, जिससे स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। नंबर टू, सिल्वर कलर के अलावा अन्य किसी भी चमकीले रंग से आपको बच कर रहना चाहिए, क्योंकि इसे चमकीला बनाने के लिए लेड यानी शीशा मिलाया जाता है। इसे स्किन में काफ़ी ज़्यादा एलर्जी का खतरा रहता है, इसलिए चमकीले रंगों से खुद को और अपने बच्चों को बचा कर रखें। नंबर थ्री, डार्क कलर के रंग और गुलाल लगाने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक भी होते हैं और इनसे दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि इसे डार्क बनाने के लिए कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है जो आँखों के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, और अगर ये आपकी आंखों में गलती से भी चला जाए तो आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। इसके अलावा अन्य डार्क कलर के रंग और गुलाल से भी बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ खतरनाक कलर के निशानी। अब हम जानेंगे कि आखिरकार होली तो खेलनी ही है, तो होली खेलते वक्त हमें किन कलर का पहचान करना चाहिए और हम मार्केट में जाएँ तो हमें कलर का पहचान कैसे करना चाहिए। तो मार्केट में आप जब भी जाएँ तो होली पर रंग खरीदते समय ऐसे कलर गलती से भी ना खरीदें जिनमें बहुत ज़्यादा चमक हो, क्योंकि इन रंगों में चमक बढ़ाने के लिए लेड यानी शीशे के छोटे छोटे मिलाए जाते हैं जो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, और कलर को डार्क बनाने के लिए उनमें कई तरह से केमिकल मिलाए जाते हैं। रंग खरीदने के लिए आपका डार्क कलर के बजाय हल्के रंगों को खरीदें, और सही रंग को खरीदने के लिए इसे पानी में डालकर भी आप पहचान कर सकते हैं। इसके लिए कलर को पानी में डालें और अगर रंग आसानी से पूरी तरह घुल जाए तो आप समझ लेना कि ये कलर सही है, क्योंकि केमिकल या शीशे वाले कलर पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। और सही रंगों की पहचान उनकी गंध यानी स्मेल से भी कर सकते हैं। अगर रंग में किसी केमिकल या पेट्रोल जैसी स्मेल आए तो समझ जाइए कि वह रंग खतरनाक है और उस रंग को छूना भी नहीं। तो दोस्तों, ये तो थे होली में खेले जाने वाले रंगों की कुछ पहचान। आई होप कि आपका होली का त्यौहार अच्छा ही गया हो। और वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ।